हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी भर्ती में देरी का कारण क्या है और जितनी देरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम 100% होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड, आप भी जान चुके हैं कि इस वैकेंसी को लेकर के कई ऑफिसर तक के जेल जा चुके हैं और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये आयोग ठीक है फिर से उसी गलती को दोहरा रही है और ये आयोग की जो तनाशाही है ना, ये सही से नहीं बात करते हैं किसी से और ये हमेशा बयानबाजी जो करते हैं ना, और ये वैकेंसी को देरी करके ये जान करके रख के हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में देरी का कारण आयोग का सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और तानाशाही है। ये नहीं चाहते कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, क्योंकि फ्रेंड भर्ती अगर जितना देरी होगा ना उतना ही आयोग को इसमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक ना। अब मैं फ्रेंड बात कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइपिंग की। देखिए फ्रेंड, एक समय ऐसा आता है कि BSSC के द्वारा टाइपिंग का जिक्र किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट की चर्चा की जाती है, ठीक ना। और फ्रेंड वहाँ पर उस समय ये नहीं बताया जाता है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड ये रहने वाली है और आपकी एक्यूरेसी ये रहने वाली है, ठीक है। और अचानक से बाद में फ्रेंड एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है जो कि फ्रेंड किसी लोगों के गाइड के कारण ये आयोग जारी कर देते हैं कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट रहने वाला है और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट रहने वाला है, ठीक है। और फ्रेंड उसमें भी यह जिक्र नहीं किया जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितना रहने वाला है, ठीक ना। तो फ्रेंड ये सब बहुत ही मतलब गड़बड़ हो रहा है कैंडिडेट के साथ। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको दिखाता हूँ BSSC आयोग को दिलीप जी ने क्या कहे हैं, ठीक है। उन्होंने BSSC आयोग को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो BSSC के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वे उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BSSC द्वारा जो बहाली प्रक्रियाओं में लेट लतीफी अपनाई जा रही है उससे बिहार के हजारों लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में आई थी और 7 साल बीत जाने के बाद भी इस बहाली का अभी तक कोई ठोस ठिकाना नहीं है कि कब तक ये बहाली पूरी होगी। और BSSC भी इस संबंध में कोई ऐसी नोटिस जारी नहीं कर रही है जिससे कि छात्रों को विश्वास आए, हौसला बुलंद हो कि कब तक ये बहाली पूरी होगी। और BSSC द्वारा बार बार गलत बयानी किया जा रहा है, बयानबाजी किया जा रहा है और कभी भी वो उसका ये बयान सही नहीं होता है। और अभी जो BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली है, अभी कहा जा रहा है कि जुलाई में टाइपिंग होगा, कोई कह रहा है अगस्त में होगा। आखिर टाइपिंग कब होगा और ये बहाली प्रक्रिया कब पूरी होगी, इस संबंध में BSSC को कोई नोटिस तो जारी करना चाहिए ना कि शिक्षा माफिया द्वारा ही नोटिस जारी किया जाएगा और शिक्षा माफियाओं द्वारा ही छात्र छात्राओं को पता चलेगा कि ये टाइपिंग कब होगी और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो इस संबंध में BSSC को चाहिए कि कम से कम एक भर्ती आयोग है तो उसको अपनी साख का भी ध्यान रखना चाहिए और इस संबंध में एक नोटिस ऐसे जारी किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों में जो उहापोह की स्थिति है वो ख़त्म हो और छात्रों को सही जानकारी मिले कि कब टाइपिंग होगी और कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब उनका सिलेक्शन होगा, कब उनको जॉब मिलेगी। और नीतीश सरकार के लिए भी ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि जिस समय जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये वैकेंसी आई थी और 7 साल पूरा हो जाने के बाद भी इस वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं कि कब पूरा होगा। तो नीतीश सरकार के लिए भी बेशर्मी की बात है कि 7 साल से ये वैकेंसी अधर में लटका हुआ है और नीतीश सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के लिए काम कर रहे हैं और दिखावा करती है। तो नीतीश सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और BSSC को सख्त निर्देश देना चाहिए कि एक टाइम देना चाहिए कि इतना दिन के अंदर आप बहाली प्रक्रिया पूरा कीजिए। और देखिए कैसे ने BSSC पूरा करेगी, एकदम करेगी पूरा। आप 25 दिसंबर को मुख्य परीक्षा ले सकते हैं, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है स्कूल कॉलेज सब जगह सरकारी छुट्टी का दिन है, उस दिन आप BSSC मेंस की परीक्षा ले सकते हैं। और आपको टाइपिंग लेने में और फाइनल रिजल्ट देने में इतना विलंब हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के किया जा रहा है और ये RCP टैक्स के रूप में पैसा वसूलने के लिए किया जा रहा है। और किसी भी बहाली में किसी भी सरकारी नौकरी की बहाली प्रक्रिया में जितना भी लेट लतीफी हो, समझ जाइए उसमें धांधली उतनी ही ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि RCP टैक्स के रूप में ये पैसा वसूलने का काम अंदर अंदर चलने लगता है और शिक्षा माफियाओं का बल्ले बल्ले हो जाता है। तो हम मांग करते हैं BSSC से भी और नीतीश सरकार से भी कि जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए और इससे संबंधित नोटिस BSSC वेबसाइट पर डाले ताकि छात्रों को पता चल सके और उहापोह की जो स्थिति है वो खत्म हो और शिक्षा माफियाओं के द्वारा पता ना चले बल्कि BSSC की वेबसाइट से पता चले। तो BSSC को अपनी साख का ध्यान रखते हुए इस संबंध में एक नोटिस जल्द से जल्द जारी करना चाहिए ताकि
हजारों छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब नोटिस आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, तो उनको अच्छा लगे, उनके दिल को सुकून पहुंचे नोटिस देख के, ताकि लगे कि हाँ बीएसएससी एक भर्ती आयोग है। ऐसा उस बीएसएससी को करना चाहिए कि लगे कि वो भर्ती आयोग है। अभी लग नहीं रहा है कि बीएसएससी भर्ती आयोग है, जैसे लगता है कि शिक्षा माफियाओं का अड्डा है बीएसएससी। तो बीएसएससी को अपनी साख का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा माफियाओं का अड्डा मत बनाए। जो भी नोटिस होता है बीएसएससी का, उससे पहले शिक्षा माफियाओं को पता कैसे चल जाता है? रिजल्ट बीएसएससी के वेबसाइट पे नहीं आता है और एक दिन दो दिन पहले शिक्षा माफियाओं के पास आ जाता है, ये कैसे हो जाता है? तो बीएसएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करना चाहिए और इसे संबंधित नोटिस जारी करना चाहिए। और अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो फिर बिहार के छात्र जब उग्र आंदोलन करेंगे तो फिर बीएसएससी इसके लिए जिम्मेवार होगी और नीतीश सरकार ही जिम्मेवार होगी इसके लिए, फिर हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पास हजारों छात्रों का फोन आता है कि हम लोग उग्र आंदोलन करना चाहते हैं, तो मैं नहीं अब रोक पाऊंगा। अब छात्र को जो करना होगा करेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो इसलिए बीएसएससी इस संबंध में जल्द से जल्द नोटिस जारी करे, इस बहाली को पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद।